बहुत बड़ी दौलत है, जैसे सेहत सबसे बड़ी दौलत है, वैसे एजुकेशन बहुत बड़ी दौलत है। कई माँ बाप के पास प्रॉपर्टी नहीं रहती लेकिन बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। कई माँ बाप पूरे दिन काम करके एक मर्तबा खा के दो दफ़े खा के बच्चों के लिए जमा के पैसे बच्चों के लिए खर्च करते हैं ताकि बच्चे अच्छे पैसे जमा के बच्चों के अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे जॉब्स मिले, अच्छा तरक्की करेंगे। यहाँ बीटी में गर्ल्स का इदारा लड़कियों के लिए, लड़कियों यहाँ पे इतने स्मार्ट हैं और इतना इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतना आगे की सोच रख के पढ़ते हैं, अच्छे जॉब्स कितने मिलते हैं। लेकिन द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, द कॉन्फिडेंस, द कम्युनिकेशन इज माशाल्लाह सुपर्ब हियर। दे वॉट अ वेरी गुड फैकल्टी। यहाँ पे जो टीचर्स हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, दे आर ऑल वेरी वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। मैं यही कहता हूँ रमज़ान के मौके पे ये एजुकेशन, आई वुड फर्स्ट से माशाल्लाह कीप इट अप एंड कंटिन्यू द गुड वर्क। बीटी इज गोइंग फ्रॉम एवरी स्टेप दैट दे आर टेकिंग, दे आर गोइंग, दे आर रीचिंग द होराइज़न। आई वुड ऑलवेज से दिस टू देम, कीप अप द गुड वर्क। अल्लाह को नज़र से बचाए। आई विश देम ऑल द बेस्ट। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सेहत के बाद तालीम है, और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो तालीम दी जा रही है छोटे से लेके बड़े तक, उनके हाई स्कूल कॉलेजेस, पीयू कॉलेज, उनकी डिग्री कॉलेज में जो तालीम दी जा रही है, बाद में उनके प्लेसमेंट सेल्स जो बच्चों को लड़कियों को अच्छे जॉब्स मिल रहे हैं, ये हर एक शोबे में लड़कियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे पहले मैन सेट था कि हम लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, बाहर भेजते नहीं थे कामों के लिए, लेकिन आजकल लड़कियों भी बहुत स्ट्रांग और स्मार्ट हो चुके हैं। पता है उनकी हद कितनी है, क्या है, अपने आप को हिफाजती में लेते हुए काम करते हुए आगे बढ़ने के लिए हिम्मत आजकल हमारे कौम की लड़कियों में माशाल्लाह। आगे चल के इनकी फैमिलीज भी बहुत अच्छे बनेंगे, यहाँ के लड़कियों ऐसी तालीम दी जा रही है। अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाए, आगे तरक्की और भी उनको तरक्की था।